देखिए दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, ये जौ का दलिया है और ये मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी में बनाने जा रही हूँ इसकी, और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है। और मैं इसको धो करके मैंने कुकर में अच्छी तरीके से इसको डाल दिया है, और इसके साथ साथ ही मैंने इसको ये एक मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी चने की दाल ले ली है, और ये चने की दाल भी मैंने इसमें डाल दी है। और देखिए ये मूंग की दाल धो करके रखी है, ये मूंग की दाल भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। और देखिए अदरक और हरी मिर्च और ये प्याज कटी हुई मैं थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दूंगी दाल में। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि आपने हरी मिर्च भी डाली है, और नमक डाल दूंगी, और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, और मैं इसको पकाने के लिए रख दूंगी। एक सीटी आने के बाद सिम आंच कर दूंगी, और जितनी देर करनी है फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए बन करके तैयार हो चुका है दलिया, और मैंने तेल रख लिया है, और तेल में मैं ये प्याज डाल दूंगी। इसमें प्याज का भंगा लगा कर बहुत टेस्टी होता है। ये प्याज मेरी फ्राई हो गई है, और इस फ्राई प्याज में इसमें डाल दूंगी। अब देखिए मैं सर्व करके दिखाऊंगी आपको, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बहुत है। हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही हेल्दी है, और ऐसा बनेगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसे मैं इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी, और इसमें मैं थोड़ी सी प्याज ऊपर से डाल दूँगी खाने के लिए, और इसमें मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी। और देखिए ये नींबू जो है, इसके बीज हटा करके मैं ये नींबू इसमें थोड़ा सा निचोड़ लूँगी, और अब आप खा करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।